हमारे माननीय उनके साथ ही आए हुए हैं। मेरा उनसे अब की बार बड़ा विनम्र निवेदन किया था वकील साहब से, माननीय श्री रामपाल जी से, वो हर बार निमंत्रण देते आते थे, किसी कारण पर नहीं आ पाते थे। आज मेरा सौभाग्य है कि आज उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और आज उपस्थित हैं। आज श्री रामनिवास जी, मैं आयुष्मान गोली बच्चा की ओर से उनका स्वागत सम्मान करता हूँ। हमारे मध्य उपस्थित हैं श्री दशरथ कुमार शास्त्री जी, मैं ये भी दादरी से आए हैं, मैं इनका भी आयुष्मान की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। अपने घर को ही तो उन्होंने गुरुकुल बना लिया है, ऐसी किसी गांव की बेटी बहन लता जी अपनी धर्म की माता जी के साथ में यहाँ उपस्थित हैं। मैं आयुष्मान गोली बच्चा की ओर से बहन जी का माता जी का हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करता हूँ। आप लोग भी ताली बजा करके स्वागत सम्मान करेंगे। देखिए, बच्चों को गुरुकुल में प्रवेश करा देते हैं लोग, लेकिन अपने घर को ही गुरुकुल बना देते हैं, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। बहन जी ने अपने घर को ही गुरुकुल बना रखा है, 15 से 20 बच्चे ही शायद, और अपने घर में रहकर के बच्चों को पढ़ाती है। नमस्ते चिते सर्वलोकाश्रयाय, नमो वैत तत्त्वाय मुक्ति प्रदाय, नमो ब्रह्मणे व्यापिनेशाश्वताय, त्वमेकं वरेण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वयंप्रकाशं, आदरणीय विदुषी और विदुषिका, मेरी छोटी बहन श्वेता जी, विद्वान संचालक महोदय, आयुष्मान के प्रधान जी, मंत्री जी और दूसरे सम्मानित पदाधिकारी, दिल्ली से आए हुए अन्य सम्मानित राज्य मैं आज पहले दिन तक पूछ रहा था कि ये कौन सी सभा है, तो बताया कि पहली सभा है सुबह, तो थोड़ा सा नगर भ्रमण हुआ और उसके बाद मैं युद्ध हुआ। मैं सोच रहा था आपके बीच में पहले थोड़ी चर्चा करूँ सत्संग के बारे में, आज का जो कार्यक्रम है इसके उद्देश्य के बारे में, लेकिन संचालक महोदय का ऐसा निर्देश मुझे मिला कि ईश्वर के संबंध में चर्चा करें, चलिए ईश्वर के संबंध में चर्चा करें। अच्छा, माताओं की संख्या अच्छी खासी है, सामान्य रूप से माताएं जाती भी हैं सत्संग में, और सबसे ज़्यादा सत्संग इस देश में माताओं के सहारे चल रहे हैं। बाबाओं को रोटी कौन खिलाता, माताएं खिलाती, बाबाओं का घर कौन चलाता, कह रहा हूँ माता जी जाती हैं सत्संग में बैठती हैं और 4 घंटे तक सत्संग सुनती हैं, और माता जी अंदर
आनंद से विभोर हो जाती है। क्या बढ़िया बातें बाबा जी बता रहे हैं, कहते हैं सतवचन महाराज, सतवचन महाराज, सतवचन महाराज। और चार घंटे बाद जब सत्संग पूरा हुआ, बाहर आई, मैंने पूछा माता जी बाबा जी ने क्या बताया, तो कहते बेटा बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई। मैंने कहा माता जी बताया क्या? बोले बहुत ही बढ़िया बताया। मैंने कहा माता जी ये तो बताओ बताया क्या? बोले बेटा ये पता नहीं लगा क्या बताया। अच्छा ऐसा सत्संग सुनने वाले और ऐसा ही सत्संग सुनाने वाले कैसे? वो भी इनसे कम नहीं, वो कहते हैं हम इनसे भी चार कदम आगे। वो क्या सुना दे इस बात का कोई भरोसा नहीं, वो क्या कह दे इस बात का कोई भरोसा नहीं। बात में ना कोई तर्क है ना कोई लॉजिक है, चुपचाप सुनते जाओ जो कह दिया सुनते जाओ। चतुर्भुज भगवान पकड़ लिया, इसी में लगे रहते हैं, वास्तविकता से खेल न देना नहीं। तो ये जो आपके बीच में सत्संग रखा गया है, एक चार दिन का जो कार्यक्रम आपके बीच में रखा गया है, इसमें कम से कम एक काम करना माता हूँ कि जब घर से यहाँ आओ तो अपनी बुद्धि भी साथ लेकर आना, और मंच पर जो आदमी बैठे उसकी बात को सुनकर ग्रहण करने से पहले तोड़ना, बात सच्ची है या बंद कर दो बैठे। भोजन यहाँ से पहुँचा सकते हो तो मैं यहाँ से बैठे बैठे पंजाब में अपने खेतों में पानी क्यों नहीं पहुंचा सकता? गुरु नानक जी ने तर्क दिया है। लेकिन पितृ यज्ञ क्या होता है? मैंने आपको बताया माता पिता की सेवा करना, ससुराल ये पितृ यज्ञ है। लेकिन आज अधिकतर आप देखोगे तो माता पिता की दुर्दशा सबसे ज्यादा अधिक दयनीय है। पहले केवल चार आश्रम होते थे, पांचवा आश्रम प्रिया, कौन सा प्रिया? वृद्धा आश्रम। और वृद्धा आश्रम में आप अगर देखोगे तो आप जैसे के माता पिता नहीं मिलेंगे, वहां उन्हीं के माता पिता मिलते हैं जो बढ़िया अच्छे अच्छे पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, उनके माता पिता आज वृद्धा आश्रम में है। क्यों? क्योंकि संस्था उन्होंने कभी दी हुई। तीसरा यज्ञ था पितृ यज्ञ। चौथा यज्ञ है बलवैष्णदेव यज्ञ। बलवैष्णदेव यज्ञ कहते हैं अपने आस पास जितने भी जीव जंतु रहते हैं, कीट पतंगे रहते हैं, कुत्ते हैं, बिल्ली हैं, चींटी हैं, हाथी हैं, पक्षी हैं, मछली हैं, जल में रहने वाले हैं, ये सब किस पर आश्रित रहते हैं? हम लोगों पर ही आश्रित रहते हैं, गृहस्थ पर ही आश्रित रहते हैं। इनका दायित्व तो बनता है कि ये अपने भोजन में से पहले इनको भोजन निकाले, फिर भोजन करे। और पहले ये प्रक्रिया हुआ करती थी माता बहनें, आज भी कुछ माता बहनें करती होंगी। पहले जब भोजन बनता था तो सबसे पहली रोटी किसकी निकलती थी? गाय को निकलती थी। आज निकलती है, अच्छी बात है। लेकिन आज ज्यादातर मैंने देखा है शहरों में सबसे पहली रोटी है वो किसके पास जाती है? पतिदेव के पास जाती है। सबसे पहली रोटी किसके पास जाती है? पतिदेव के पास में। तो पति का स्वभाव कैसा कर दिया? बेचारा गाय जैसा हो गया, वो नहीं बोलता ना, हाँ बोले ना नहीं बोलते, वो गाय जैसा कर दिया। और लास्ट की रोटी थी कुत्ते को निकलती थी। मैंने देखा था, मैं अपनी माँ को दादी को देखा करती थी, सारा आटा की लोई समेट कर एक मोटी सी बढ़िया सी रोटी बनाती थी और बनाकर पीछे से तवे में डाल देती थी, और डालने के बाद में जब सारे लोग खा लेते थे फिर उसको कुत्ते को डाल के रखती थी। और आज वो रोटी बनती तो है, पीछे से भारी बनती है, रोटी बनती है, लेकिन वो जाती किसके पास है? अपनी माता बहने समझती को हम खा रहे ये खुदी खा लेती हूँ, इनका स्वभाव कैसा हो गया? सारे दिन हाय 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 हाय, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, तुमने ये कर दिया, तुम बुलाना नहीं लाए, तुमने बिठाना नहीं लाए, और वास्तव में तो इतना बढ़िया इनका नाम रख दिया, एक इनको नाम दे दिया कि पत्नी किसको कहें जो तनी रहे। मेरी माता और बहनों पीछे की रोटी तुम मत खाना, स्वभाव तुम्हारा ऐसे ही बन जाएगा। पहली वाली रोटी गाय को निकलती और बाद वाली कुत्ते को, ये प्रक्रिया बेहतर हुआ करती थी। घर कितना सुंदर बना हुआ करता था। पांचवा यज्ञ आता अतिथि यज्ञ। कहते थे अतिथि देवो भव,
जब अतिथि आ जाया करता था तो मन में प्रसन्नता के भाव आ जाया करते थे, लेकिन आज जब अतिथि आ जाए तो पूरी तरह से डिप्रेशन में चले जाते, होगा तो भगवत के साथ। हम कल लड़का जी के यहाँ पर आए हुए कोई परेशानी नहीं, क्यों? क्योंकि वो जानती है अतिथि रज को करना जानती है, लेकिन आज भी वो स्थिति है। हम प्रचार में जब जाते हैं कि जब देख लेते हैं कि आगे तो पूरी तरीके से टेंशन में आ जाते हैं, आ जाते नहीं आ जाते एक बार तो टेंशन आ जाती कैसे होगा क्या होगा। लेकिन पहले मेरी माता बहनों ये भाव हुआ करता था, हमारी बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, जब कुछ अच्छा प्राप्ति थी तो विशेष त्योहार आता था तो एक थाली निकाला करती थी, आपने देखा होगा थाली निकाला करती थी, जितना भी खाना बनता था वो सारा निकालती थी। एक गाँव का उनका कोई ब्राह्मण होता था उसको कहती थी बेटी को बेटे को भेजती थी जाओ पहले पंडित जी को देखा फिर हम भोजन करेंगे। ये प्रक्रिया पहले थी, ये पांचों प्रकार के यज्ञ हमारे जीवन में थे तो हमारा जीवन सुखमय था, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जब से ये खत्म हुए तब से हमारा जीवन क्या होगा बोल दो, आज अतिथि को क्या खिलाएंगे? आज तो हमारी खुद की रोटी बनानी मुश्किल पड़ती है, दो रोटी बनानी बड़ी मुश्किल है। दो रोटी बनाने के लिए शहरों में आप देखो जाके, मैं तो रखी हूँ लेब रखी हुई है, दो रोटी बनाने के लिए परेशानी थी। इसीलिए आप ये परिवार को सुख में बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने जगह जगह के इस देश को कहा था कि अगर तुम यज्ञ की प्रक्रिया से अगर छूट गए, अगर आपने यज्ञ को छोड़ दिया तो आपका जीवन सुख में नहीं बनेगा। महर्षि स्वामी दयानंद महाराज ने जग को जगाने का प्रयास किया था, हिलाने का प्रयास किया था और कहा था तुम क्यों, क्या कहा था? कि कैसा ये सौभाग्य है, कि कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, कैसा ये सौभाग्य है, कैसा ये सौभाग्य है हमारा तुम्हारा, परिवार में यज्ञ होते थे परिवार को सुखी थे, वो बढ़िया चलते थे, उनकी व्यवस्था बढ़िया थी। जब से परिवारों में यज्ञ खत्म हुआ तब से परिवार का पतन होना प्रारंभ हो गया। और कौन से यज्ञों की बात करते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि पांच प्रकार के यज्ञ हैं जो कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गृहस्थ को करने चाहिए और कर्तव्य समझ के करने चाहिए। कौन कौन से हैं? मेरी माता मैंने सब जानती हूँ। कौन कौन से हैं? पहला यज्ञ ब्रह्म यज्ञ, दूसरा यज्ञ देव यज्ञ, तीसरा यज्ञ पितृ यज्ञ, चौथा यज्ञ बलवैष्ठ देव यज्ञ और पांचवा यज्ञ अतिथि यज्ञ। अच्छा, सबको क्रम से याद है कि कोई कोई याद है, कोई कोई नाम याद है? ये पता तो सबको है कि पांच प्रकार के हैं, पर ये क्रम से नहीं पता कि कौन कौन से हैं। इसीलिए मनु महाराज कहते हैं इनको कर्तव्य समझकर करने चाहिए। और पहले हर घरों में हुआ करते थे, हमारे कुछ बुजुर्ग माताएं बैठी हुई हैं, ये करती अभी भी करती होंगी और पहले तो करती थी, ये जानती है कि पांच प्रकार के यज्ञ हमारे घरों में पहले नित्य हुआ करते थे। और जब नित्य हुआ करते थे घर हमारा क्या था? सुखी था। पहला यज्ञ था ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ किसको कहते हैं? देखो मेरी बात को समझो, देश को राष्ट्र को जब हम बचा पाएंगे,
हम यहाँ मंच से बैठकर आपके बीच में बोले माता और बहनों आप रानी की लक्ष्मी बाई बन जाओ, रानी लक्ष्मी बाई बन जाओ और हरा वाली रानी बन जाओ, हाथ में त्रिशूल ले लो और देश की सुरक्षा करो जाकर। उससे पहले आपको क्या करना होगा, पहले से एक तलवार को बनाना होगा। इसीलिए मनु महाराज और महर्षि स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं गृहस्थ का गृहिणी का सबसे कठिन कर्तव्य है वो अपने परिवार को बनाकर चले, पहले परिवार को देखे। इसीलिए उन्होंने कहा कर्तव्य समझकर पांच प्रकार के यज्ञ करने चाहिए, कौन से तो मेरे समझने का प्रयास करेंगे। पहला यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, कौन सा यज्ञ है ब्रह्म यज्ञ, मेरे साथ साथ बोलो। ब्रह्म यज्ञ कहते हैं उस परम पिता परमात्मा की स्तुति करना, उसका गुणगान करना, चिंतन करना, विचार करना, स्वाध्याय करना, ये क्या है ब्रह्म यज्ञ है। जैसे कि हम बैठते हैं तरह तरह के लोग पूजा पद्धति करते हैं, बैठते हैं आराधना करते हैं, कोई बैठता है दीपक जलाकर बैठता है, कोई स्तुति करता है, कोई संध्या करता है, कोई भजनों के माध्यम से करता है, कोई मंत्रों के द्वारा संध्या करता है, तो ये हम क्या करते हैं ब्रह्म यज्ञ। दूसरा यज्ञ है देव यज्ञ, कौन सा यज्ञ है देव यज्ञ, जो आपने प्रातःकालीन मेला में बैठकर अग्निहोत्र किया होगा सामग्री के द्वारा, संविधा के द्वारा, रथ के द्वारा और अन्य अन्य पदार्थों के द्वारा, मंत्रों के द्वारा आपने देवी देवताओं को आहुति दिया। देवी देवता क्या है आगे चर्चा करेंगे, वो क्या है इस विषय को यही छोड़ो। देवताओं को आहुति देना ये क्या है देव यज्ञ है। तीसरा यज्ञ है पितृ यज्ञ, कौन सा यज्ञ है, अभी कौन सा श्राद्ध चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, कौन सा बाबा चल रहा है, अच्छा कोई करके आया, अच्छा ना भी किया हो तो जानकारी तो रहती है, पड़ोस में माताओं बहनों को तो रहती है ना। तो जैसे आज क्या है काशी है मावस है आज, तो जानकारी सबको रहती है आज कौन सा है आठवां है, ये पितृ पक्ष चल रहा है। और महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं पितृ यज्ञ, तो पितृ यज्ञ किसको कहते हैं वो सुनिएगा। पितृ यज्ञ कहते हैं अपने सास ससुर, अपने माता पिता, गुरु आचार्य, अपने से जो बड़े हैं, जो सन्यासी व्रत हैं, अतिथि हैं, आपके आदर सम्मान के योग्य हैं, वो क्या है पितृ, वो क्या है पितृ हैं, उनकी सेवा सुश्रुवा करना, उनका ध्यान रखना, ये क्या है पितृ यज्ञ है। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं, हमने उन पितरों के लिए 15 दिन निश्चित कर दिए, कितने कर दिए 15 दिन, एक वर्ष में 15 दिन आते हैं और 15 दिन में भी 15 दिन नहीं खिलाते दादाजी को, अच्छा लगातार खिलाते हैं क्या, नहीं खिलाते, आप नहीं खिलाते, पड़ोस में आपने देखा होगा। वैसे मैंने तो कुछ लोग ऐसे देखे हैं जो आप बुरा भक्त मानना आर्य समाज में श्राद्ध करके ही बैठे होते हैं, जो आते हैं वहां से श्राद्ध भी कर जाते हैं और बैठ के वो भी सुन लेते हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं। अच्छा ऐसे अगर यहाँ पर भी बैठे हो तो आज के बाद बंद कर देना, हाथ जोड़कर निवेदन, क्योंकि एक ही नाम में पैर रखो, जहां ठीक है वहीं चलना चाहिए। तो मैं आप लोगों के मत में बता रही थी कितने अच्छे के बारे में, 15 दिन में भी लगातार नहीं खिलाते दादाजी को, वो एक दिन होता है और एक दिन में खूब बढ़िया से हलवा बनाएंगे, पूड़ी बनाएंगे, छोले बनाएंगे, 3-4 तरह की सब्जियां बनेंगी और जो मिठाई उनको पसंद थी वो मिठाई बनेगी और बनने के बाद में बढ़िया से थाली सजेगी और सजने के बाद में कपड़े मंगाए जाएंगे, पंडित जी को बुलाया जाएगा, फिर उनको खिलाया जाएगा और ये और कहती है माता मैंने, क्योंकि भाई बंधु तो सामान ला के रहते, खिलाना तो इन्हीं का काम रहता है। वो कहते हैं हमारे जो ससुर जी थे उनको ये वाली मिठाई बड़ी पसंद थी तो आप जरूर खाना, हमारे ससुर जी को छोले बड़े पसंद थे आप जरूर लेना। तो एक बड़ा आर्य समाज का व्यक्ति बैठा था, वो कहता है अच्छा तो तुम्हारे ससुर जी को
सोने चांदी की चीजें पसंद नहीं थी, तो कहते नहीं वो ज्यादा नहीं पहनते थे, वो उनसे भी ज्यादा खुश थे कि नहीं वो सोने चांदी की चीज नहीं पहनते। तो सासू माँ पहनती थी कि अच्छा। अगले दिन क्या हुआ, सासू माँ का भी आ गया, तो उनकी धर्मपत्नी आई पंडित जी की खाने के लिए। तो जैसी बैठी वो, तो कहा वही वाली प्रक्रिया शुरू, हमारी माता जी तो रायता खाती थी, कड़ी खाती थी, और आपको जो जो खाना है हमने बड़े मन से खाया, वो तो बहुत खाती थी, और जब बनवाती थी ना तो सुबह बनवा के शाम को भी रख लेती थी, कहती थी मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, शाम को भी देती थी, इतना खाती थी। तो उन्होंने कहा अच्छा जो एक बात बताओ, उनके ससुर जी को तो सोना चांदी पसंद नहीं था, तो सास को तो होगा अच्छी अच्छी साड़ियां भी पसंद होंगी, कि नहीं नहीं वो नहीं, हाँ पसंद तो थी। फिर आगे कोई जवाब नहीं था, कहती थी पहनती तो थी लेकिन बुढ़ापे के आगे उनको छोड़ दिया था सारा, नहीं पहनती थी। तो कहाँ तक हमारी देने के लिए कहाँ तक रहती है केवल वही, लेकिन सारी ये क्या है, गपोड़ है, पाखंड है, कुछ भी। पितृ जी कहते हैं जिंदे पे सेवा करना, मरने के बाद में कुछ भी नहीं कर सकते। एक बार हरिद्वार में गुरु नानक जी गए, तो वहां देखा कि पंडित पुजारी क्या कर रहे थे, पिंडदान करा रहे थे, और पिंडदान कराते हुए देखा था गुरु नानक जी ने क्या किया कि गंगा जी में खड़े हो गए, और जिस दिशा में खड़े थे उसके विपरीत दिशा में पानी डालने लगे कुंजली भर भर के। तो पंडित पुजारी आके खड़े हो गए और कहते हैं कि क्या करते हो तुम, तो कहते दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें पानी डाल रहा हूं, कि कहां डालते हो पानी, कि मैं पंजाब में मेरे खेत हैं तो वहां सिंचाई कर रहा हूं, यहां से पानी डाल रहा हूं। तो पंडों ने कहा कि तुम मूर्ख हो, बिल्कुल बुद्धि नाम की तुम्हारे अंदर चीज नहीं है। कहते क्यों नहीं ये बताओ, कह रहे यहां से हरिद्वार से बीच नदी के खड़े होकर तुम यहां से पानी डालोगे, पंजाब के अंदर तुम्हारे खेत हैं तो वहां पानी कैसे पहुंच जाएगा, सिंचाई कैसे हो जाएगी। तो कहते हैं ऐसे ही हो जाएगी जैसे तुम्हारे मरे हुए पितरों के लिए तुम पिंडदान के लिए यहाँ जो पैसे दान करवा रहे हो, जैसे यहाँ भोजन निकलवा रहे हो, जैसे यहाँ वस्त्र निकलवा रहे हो, लोटे गढ़ में निकलवा रहे हो, सोने की